हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुदंड भी बोलते हैं, मेरुरज भी बोलते हैं, बैक ऑफ बोन भी बोलते हैं, या फिर रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहला पॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द CNS विच कंटेन 100 billion न्यूरॉन्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, विच कंटेन 100 billion न्यूरॉन्स, जो जिसके अंदर 100 billion न्यूरॉन्स होते हैं वो पाए जाते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ एलोंगेटेड ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द CNS। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है एलोंगेटेड मतलब लंबी, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल मतलब बेलना आकार का पार्ट होता है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है लंबी ऑलमोस्ट बेलनाकार आकार की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। विच इज सस्पेंडेड इन द वर्टिब्रल कैनाल सराउंडेड बाय द मेनिंजस एंड CSF। इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल कैनाल होती है उसके सराउंडेड होती है, चारों तरफ होती है बाय द मेनिंजस, और उसके और किसके द्वारा, मेनिंजस जो लेयर होती है उसके द्वारा, मेनिंजस लेयर जो होती है उसके द्वारा एंड CSF, और इसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी जो होता है भरा हुआ होता है। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है, बेलना आकार की होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, और इसमें क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, वर्टिब्रल कैनाल मतलब केसुरुकी नली जो होती हैं उसके सराउंडेड होती है, मतलब वर्टिब्रल कैनाल जो होती है उसके चारों तरफ होती है बाय द मेनिंजस जो होती है, जो लेयर्स होती है डोरामेटर पायामेटर, ये जो लेयर होती है मेनिंजस लेयर जो होती है डोरामेटर पायामेटर और एरकोनाइड मेटर, वो मेनिंजस लेयर होती है, और मेनिंजस लेयर भी इसमें कनेक्ट होती है, सराउंडेड होती है, और CSF भी पाया जाता है, मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इसमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूस। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कंटिन्यूस स्टार्ट होती है अबव विद द मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होती है उसके नीचे से स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस, और वो कहाँ एक्सटेंड्स होती है, फ्रॉम द अपर बॉर्डर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा या पर अपर का जो बॉर्डर होता है, मतलब ऊपर का जो बॉर्डर होता है, एटलस मतलब क्या होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के नीचे से स्टार्ट होती है, द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा, और इसका जो लोअर पार्ट होता है जो फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा होती है वहाँ तक होता है। उसके बाद इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो इसकी जो लंबाई होती है अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, एंड अबाउट थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर, और जो इसकी मोटाई होती है वो जो हमारी छोटी वाली फिंगर होती है उसके बराबर होती है, इतनी मोटी होती है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द नर्वस टिश्यू लिंक, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है जो उससे नर्वस टिश्यू होते हैं वो लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं बिटवीन द ब्रेन, मतलब ब्रेन के साथ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के जो टिश्यू, जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्वस टिश्यू जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं उसके साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करती है, फिर पूरे बॉडी में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, नर्व्स कन्वेइंग इम्पल्सिस फ्रॉम द ब्रेन टू द वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यू, जो नर्व्स होती हैं वो कन्वे करती है, मतलब लेके जाती है इम्पल्सिस मतलब आवेगों को फ्रॉम द ब्रेन, मतलब ब्रेन से कहाँ पे, टू द वेरियस ऑर्गन्स मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स में या पार्ट में, एंड टिश्यू डिसेंड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा ब्रेन जो आवेगों को कन्वे कर रहा है उसके द्वारा जो टिश्यू होते हैं वो डिसेंड करते हैं इंफॉर्मेशन इम्पल्सिस को कहाँ पे, नीचे की तरफ थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये डिसेंड करते हैं, मतलब नीचे की तरफ लेके जाते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलरली सेंसरी नर्व्स फ्रॉम ऑर्गन्स, सिमिलरली ये देखा गया जो हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, एंड टिश्यू इंटर एंड पास, और जो टिश्यू होते हैं वो मतलब इंटर करते हैं या फिर पास होते हैं अपवर्ड्स इन द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, मतलब टिश्यू और जो हमारे इंटर करते हैं और पास होते हैं, मतलब जो भी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इंटर करती हैं और पास होती हैं ऑर्गन से, ऑर्गन द्वारा अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ इन द स्पाइनल कॉर्ड और टू द ब्रेन में, मतलब ऊपर अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में जो भी सेंसरी नर्व्स होती हैं वो पास होती हैं या फिर टिश्यू द्वारा इंटर होती हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है सम एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर द इंडिपेंडेंट। बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही की जाती हैं। ऑफ द ब्रेन मतलब ब्रेन में एंड आर कंट्रोल एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बाय स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ब्रेन मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की जो इंडिपेंडेंट होती है, जो कंट्रोल्ड एक लेवल पर जाके कंट्रोल्ड हो जाती हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा क्या होती हैं कंट्रोल्ड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ कंपोज ऑफ ग्रे मैटर। इसके अंदर क्या होता है ग्रे मैटर पाया जाता है इन द सेंटर सराउंडेड बाय वाइट मैटर, मतलब सेंटर में क्या होता है वाइट मैटर पाया जाता है उसके चारों तरफ सपोर्टेड बाय न्यूरोगेलिया। और ये जो हमारा वाइट मैटर और हमारा ग्रे मैटर होता है वो न्यूरोगेलिया जो होता है उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, मतलब वो उसको सपोर्ट करती है। न्यूरोगेलिया क्या है क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रे मैटर। द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कॉर्ड रिसेम्बल द शेप ऑफ द लेटर एच। क्या होता है कि जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में अरेंज्ड होता है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में रहता है। रिजेंबल द शेप ऑफ द लेटर एच और मतलब ये जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो कौन से आकार का दिखता है हमारा जो एच लेटर है उसके, मतलब एच अक्षर के तरह जैसा दिखाई देता है। रिजेंबल्स मतलब जैसा दिखाई देना। तो जो हमारा ग्रे मैटर होता है वो इसको स्पाइनल कॉर्ड में होता है, एक सिस्टमेटिकली अरेंज होता है और वो किस शेप में होता है एच जो हमारा एच अक्षर है उसकी तरह दिखाई देता है। हैविंग टू पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड टू लेटरल कॉलम्स। इसमें क्या होते हैं टू पोस्टीरियरली टू एंटीरियर मतलब पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, मतलब एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर मतलब नीचे की तरफ, लैटर मतलब साइड साइड में। तो क्या है कि टू पोस्टीरियर होती हैं, टू एंटीरियर होती हैं और टू लैटरल कॉलम्स ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पोस्टीरियर कॉलम्स क्या होते हैं ग्रे मैटर के, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज। जो हमारा पोस्टीरियर कॉलम्स होता है ग्रे मैटर का वो उसमें बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं, वो कंपोज होती हैं मतलब होती हैं उसके अंदर या पाई जाती हैं। ऑफ सेंसरी नर्व्स और इसमें सेंसरी नर्व्स भी होती हैं। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी अप टू द ब्रेन। इससे क्या होती है जो हमारे पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं ग्रे मैटर के उस वो क्या करते हैं कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमें ब्रेन के द्वारा या फिर बॉडी के द्वारा कैरी हो रहा है मिल रहा है मतलब मिलता है इंफॉर्मेशन जो आता है उसको कैरी करता है मतलब लेता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अप टू द ब्रेन मतलब ब्रेन के ऊपर तक जो भी इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो क्या करता है जो हमारा पोस्टीरियर कॉलम्स होता है वो उसको कलेक्ट करता है या फिर कैरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीरियर कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर। उसके बाद एंटीरियर कॉलम्स क्या होता है क्या करता है ग्रे मैटर, दीज आर कंपोज ऑफ द सेल बॉडीज जिसके अंदर भी बहुत सारी सेल बॉडीज पाई जाती हैं, ऑफ द लोअर मोटर न्यूरॉन्स और इसके अंदर क्या होते हैं मोटर न्यूरॉन्स होते हैं या फिर मोटर सेंसरी नर्व्स होती हैं नीचे की तरफ होती है, दैट स्टिमुलेटेड बाय द अपर मोटर। और ये कब प्रतिक्रिया देती हैं कब उत्तेजित होती हैं बाय द अपर मोटर न्यूरॉन्स, जब हमारे ऊपर की तरफ के मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेटेड होते हैं तभी ये क्या करती है प्रतिक्रिया मतलब स्टिमुलेट करते हैं। और द इंटर न्यूरॉन्स लिंकिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर कॉलम्स टू फॉर्म द रिफ्लेक्स आर्क्स। और जो हमारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो बीच के होते हैं वो लिंक द एंटीरियर पोस्टीरियर कॉलम्स मतलब एंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम को क्या करते हैं जोड़ते हैं टू फॉर्म रिफ्लेक्स आर्क्स। और वो क्या बनाते हैं रिफ्लेक्स मतलब प्रतिक्रियाएं आर्क्स बनाते हैं जिससे हमें कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो पता चलती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम आपको व्हाइट मैटर और उसका जो डायग्राम है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। थैंक यू सो मच।